Hey guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है सुभा मेहरोत्रा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या वैंकूवर का क्लाइमेट अभी भी बेस्ट है रहने के लिए पूरे कनाडा में. माना जाता है कि जो वेस्ट कोस्ट है कनाडा का, स्पेशली वैंकूवर एरिया, उसका वेदर बहुत अच्छा है कंपेयर टू बाकी सिटीज इन कनाडा, क्योंकि यहाँ पे विंटर ज्यादा हार्श नहीं होती कंपेयर टू अदर सिटीज. जो एवरेज विंटर का टेम्परेचर यहाँ पे होता है वो अराउंड 5 degrees होता है और समर भी काफी प्लेजेंट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती. एवरेज समर का टेम्परेचर वैंकूवर में होता है अराउंड 15 to 22 degrees और वैंकूवर एरिया में विंटर्स में स्नोफॉल भी सिर्फ 2 या 3 बार ही होती है और वो भी 1-2 दिन में मेल्ट हो जाती है पड़ने के बाद, तो ऐसा कंटिन्यूअसली नहीं पड़ती. तो जब भी लोग कनाडा मूव होने के लिए कोई सिटी पिक कर रहे होते हैं या उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो जो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स होता है वो होता है वेदर का. जैसे कि हम सबको पता ही है कनाडा की कोई कोई सिटीज का वेदर बहुत हार्श होता है कभी कभी, स्पेशली विंटर्स में. तो आज के इस वीडियो में हम वैंकूवर के वेदर की रियालिटी डिस्कस करेंगे कि क्या वैंकूवर का वेदर बेस्ट है पूरे कनाडा में. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि वैंकूवर का वेदर ज्यादा हार्श नहीं होता है, बोथ समर्स एंड विंटर्स काफी ज्यादा प्लेजेंट माने जाते हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द सिटीज इन कनाडा. बट इस साल जो जो हुआ है उन्हें देख के ऐसा लग रहा है अब कि ये सच नहीं है. अब इसे क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग बोले, बट वैंकूवर ने इस साल हीट वेव और वाइल्ड फायर से लेके फ्लडिंग और टोर्नेडो तक सब देखा है. वैसे हर साल गर्मियों में वैंकूवर एरिया में थोड़ी बहुत जंगलों में आग तो लगती है जिन्हें वाइल्ड फायर कहते हैं, बट इस साल तो बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर बढ़ गई थी समर्स में. बहुत सारे एरियाज में से तो लोगों को इवैक्यूएट करवाना पड़ गया था क्योंकि वाइल्ड फायर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी. जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस है जिसमें वैंकूवर आता है, उस प्रोविंस में इस साल समर में अराउंड 1100 डिफरेंट वाइल्ड फायर लगी थी अलग अलग जगह पे, जिसकी वजह से अराउंड 6500 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड जल गई थी. वाइल्ड फायर तो चली रही थी और फिर बाद में जून एंड जुलाई में 2 बड़ी हीट वेव्स भी आई थी वैंकूवर एरिया में, जिसकी वजह से एवरेज जो वैंकूवर एरिया का टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. यहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हीट से लड़ने के लिए और हर जगह एयर कंडीशनिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती है. और इसीलिए इस साल जब टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा था तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी यहाँ पे और डेथ रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गया था समर 2021 का. अराउंड 500 to 600 पीपल डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 हीट वेव्स. यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर के सारे रिकॉर्ड टूट चुके थे और लिटन जो वैंकूवर के पास ही एक सिटी है, वहां का टेम्परेचर तो अराउंड 49 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचा था. इन हीट वेव्स और वाइल्ड फायर्स की वजह से यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हुई थी और गवर्नमेंट ने पब्लिक स्मोकिंग और सारी पब्लिक फायर्स लाइक बॉनफायर्स पे बैन लगा दिया था ताकि और ज्यादा वाइल्ड फायर्स ना स्टार्ट हो सके और फैले. तो जब ये सब समर में हो रहा था, लोग चाह रहे थे कि फटाफट रेनफॉल शुरू हो ताकि वाइल्ड फायर्स भी कंट्रोल हो सके और टेम्परेचर भी रिड्यूस हो वैंकूवर एरिया का. बट आई गेस लोगों ने कुछ ज्यादा ही चाह लिया है क्योंकि सितंबर से नवंबर तक अभी तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुई है वैंकूवर में और साथ में ही एक टोर्नेडो भी आया था. सिर्फ लास्ट 3 महीने में ही इस एरिया में अराउंड 200 to 300% ज्यादा रेनफॉल हुई है यूजुअल से और नवंबर 6 को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया को एक टोर्नेडो भी हिट करा था जिसमें काफी ज्यादा बारिश हुई थी और जो विंड की स्पीड थी वो अराउंड 90 to 110 किलोमीटर पर आवर तक गई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. इतनी ज्यादा बारिश की वजह से सिटीज लाइक चिलिवैक, एबटफोर्ड एंड होप में तो काफी ज्यादा फ्लडिंग हुई थी और बहुत लोगों के घरों में पानी भर गया था. बहुत जो वहां पे सारे फार्म थे इतने बड़े बड़े, उन सब में पानी भर गया था और काफी ज्यादा नुकसान हुआ था लोगों का. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो चिलिवैक, एबटफोर्ड और होप की बात कर रहा हूँ, वैंकूवर की बात नहीं कर रहा हूँ. बट वैंकूवर को भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था इसकी वजह से. तो एक जो सिंगल हाईवे है जो वैंकूवर को रेस्ट ऑफ द कनाडा के साथ कनेक्ट करता है, जिसका नाम कोकाहोला हाईवे है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था इतनी ज्यादा फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स और बारिश की वजह से. और जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े. वो ट्रक तो चला नहीं सकते थे क्योंकि हाईवे टूट गया था, तो उन्हें ट्रक अपना वही हाईवे पे ही छोड़ के अपना होम सिटी फ्लाई करना पड़ा और सारा ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था बिकॉज ऑफ दिस हाईवे फ्रॉम वैंकूवर टू द रेस्ट ऑफ द कनाडा. तो इसकी वजह से काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी खाने की वैंकूवर में. सारे ग्रोसरी स्टोर्स खाली हो चुके थे,
स्पेशली एग्स और डेयरी जैसे प्रोडक्ट्स, और काफी ग्रोसरी स्टोर्स ने लिमिट लगा दी अपने प्रोडक्ट्स पे ताकि सब लोग उन्हें यूज कर पाए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग जा रहे हो और आपको एग्स या फिर मिल्क चाहिए, तो आप दो एग्स और दो मिल्क ही ले पाओगे, और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को जितनी जरूरत है उनसे ज्यादा ना ले पाए। काफी लोग पैनिक बाइंग करते हैं, तो वो पैनिक कर जाते हैं और बहुत सारा सामान ला के घर में रख लेते हैं, और इसकी वजह से जो दूसरे हाउस होल्ड होते हैं उन्हें वो सामान नहीं मिल पाता। और पेट्रोल पे भी गवर्नमेंट ने 30 लीटर्स पर विजिट की लिमिट लगाई है नॉन एसेंशियल ट्रैवलर्स के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉन एसेंशियल ट्रैवलर हो, अगर आप सिटी में ही कार चला रहे हो और नॉन एसेंशियल सर्विस कर रहे हो कोई, तो आप जब भी पेट्रोल पंप जाओगे आप 30 लीटर का पेट्रोल ही डलवा सकते हो। ऐसी कोई हार्ड लिमिट नहीं है ये 30 लीटर की, वहां पे मतलब आपको कोई चेक नहीं करता कि आप 30 से ज्यादा लीटर का पेट्रोल डलवा रहे हो गाड़ी में या नहीं। यहाँ के लोग काफी ज्यादा वैसे ऑनेस्ट होते हैं और काफी ज्यादा हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को और एक दूसरे को ऐसी सिचुएशंस में, विच इज वेरी गुड। और इसीलिए मोस्ट लोग यहाँ पे अपने आप ही 30 लीटर से ज्यादा का पेट्रोल नहीं डलवा रहे हैं, जितना लिमिट है उतना का ही डलवा रहे हैं और गवर्नमेंट के रूल सारे फॉलो कर रहे हैं, विच इज ग्रेट। सो इन कंक्लूजन, यस, वैंकूवर एरिया का वेदर काफी ज्यादा प्लेजेंट और माइल्ड है कंपेयर टू अदर सिटीज इन कनाडा, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने बताया, वाइल्ड फायर्स, हीट वेव्स, टोर्नेडो या फिर रेनफॉल जो वैंकूवर में होता है। अब आप लोग कह सकते हो कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और हो सकता है ये सिर्फ इसी साल हुआ हो, बाकी आगे ना हो, ये तो कोई भी नहीं जानता। बट मैंने सोचा कि मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ वैंकूवर के वेदर के बारे में लोगों को और रिसेंटली जो एक्टिविटीज हुई हैं, ताकि लोग जब कंसिडर कर रहे हो वैंकूवर मूव होना तो उन्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता हो, वो यहाँ आके शॉक ना हो कि ये क्या हो गया, हम तो सोच के आए थे कि बहुत अच्छा वेदर होगा और यहाँ पे तो हीट वेव हो रही है या यहाँ पे तो फ्लडिंग हो रही है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी और काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे ऐसी ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव और लाइफस्टाइल वीडियोस बनाता रहूंगा, और मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी वीडियो पहुंच पाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।